हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब वांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप पढ़ रहे थे। उन स्वरूपों में आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी कल तक या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एकाकी व्यापार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकेला व्यक्ति ही व्यापार से संबंधित समस्त प्रबंधकीय कार्य, नियंत्रण से संबंधित कार्य व अन्य कार्य करता है, उसे ही कहा जाता था एकाकी व्यापार। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अकेला व्यवसायी है, वह व्यवसाय नहीं करता। इसमें जो साझेदार हैं, यानि विद्यार्थियों कौन हैं साझेदार हैं, वो मिलकर के कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं, उसे ही कहा जाता है साझेदारी व्यापार। जिसमें जो साझेदार हैं वो मिलकर के कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी है उसका सामान्य अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक साझेदार मिलकर के या व्यक्ति मिलकर के लाभ के उद्देश्य से यदि कोई कार्य करते हैं तो उसको ही क्या कहा जाएगा, साझेदारी व्यापार या साझेदारी कार्य कहा जाएगा। देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ कमाने के उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वैधानिक व्यवसाय या कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी का सामान्य सा अर्थ होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। यदि आपसी सहायता या एक दूसरे की सहायता के लिए या धर्मादा के रूप में मिलकर के यदि कोई कार्य करते हैं तो उसे हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं। साझेदारी के लिए उद्देश्य क्या होगा, साझेदारों का लाभ कमाना होगा। यदि बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं तो उसे हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं। साझेदारी तभी कहेंगे जब उसका जो उद्देश्य है वह क्या होगा, लाभ कमाना होगा। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई वैधानिक व्यवसाय या वैध व्यवसाय या कार्य करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। साझेदारी अधिनियम है, वह साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी अधिनियम 1932 है, वह लागू होता है। प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार बताया गया है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई वैधानिक व्यवसाय या वैध कार्य करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाएगा, साझेदारी व्यवसाय कहा जाएगा। मुख्य ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है कि इसके अंदर जो सदस्य हैं या साझेदार हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। लाभ कमाने के उद्देश्य से जब वो कार्य करते हैं तो उसे ही साझेदारी व्यवसाय कहेंगे। यदि वो आपस में मिलकर के कोई धर्मादा का कार्य करते हैं तो वहां पर वह एक साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जा सकता है। देखिए अब हम देखते हैं साझेदारी व्यवसाय है उसकी विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं, इसमें पहला जो विशेषता है वो है स्थापना। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की जो स्थापना है वह आसान होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर इसकी स्थापना कभी भी की जा सकती है। ये जब चाहे इसकी स्थापना कर सकते हैं। इसकी स्थापना के लिए अधिक वैधानिक जो प्रावधान हैं उन्हें पूरा नहीं करना पड़ता है। व्यवसायी जब चाहे, साझेदार जब चाहे आपसी सहमति के आधार पर इसकी क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो स्थापना है वह क्या होती है, इसकी स्थापना है सरल होती है, जिसमें व्यवसायी जब चाहे इसकी स्थापना कर सकते हैं। साझेदारी की स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होती है। साझेदारी व्यवसाय है उसकी स्थापना साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होती है। साझेदारी की स्थापना में विशेष बात यह है कि इसमें एक वैधानिक व्यवसाय का होना जरूरी है तथा उस व्यवसाय का उद्देश्य भी वैधानिक होना चाहिए। यदि अवैधानिक उद्देश्य वाले व्यवसाय को हम साझेदारी के आधार पर स्थापित करना चाहें तो वह
एक वैध साझेदारी नहीं है। तो साझेदारी में मुख्य रूप से दो बातें आई सामने, एक तो वैधानिक व्यवसाय का होना जरूरी, साथ में उस व्यवसाय का जो उद्देश्य है उसका भी वैधानिक होना जरूरी है, तथा इस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। यदि धर्मार्थ के लिए सेवा के लिए आपस में मिलकर कार्य किया जाता है तो वह साझेदारी व्यवसाय नहीं होता है। दूसरी जो विशेषता है वह है दायित्व। दूसरी विशेषता है दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का जो दायित्व है वह असीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व होता है, सामूहिक रूप से भी वह व्यक्तिगत रूप से भी असीमित दायित्व का मतलब है कि यदि साझेदारी व्यवसाय में किसी कारणवश यदि हानि हो जाती है तो हानि की दशा में साझेदारों का जो दायित्व है वह असीमित होगा। हानि की भरपाई के लिए यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों की जो व्यक्तिगत परिसंपत्तियां हैं उनको बेच करके भी हानि की भरपाई करनी पड़ेगी। तो देखिए दायित्व साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदारों का दायित्व है वह सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी कैसा होता है, असीमित होता है। व्यक्तिगत रूप से भी उनकी जो परिसंपत्तियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, वह सामूहिक रूप से भी उनकी जो परिसंपत्तियां हैं वे सुरक्षित नहीं होती हैं। तो देखिए साझेदारी फर्म में साझेदारों साझेदारों का दायित्व असीमित होता है यदि व्यवसाय के ऋणों को ऋणों को चुकाने में व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त रहती हैं रहती हैं
रहती है, तो साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियां बेचकर ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। तो साझेदारी व्यवसाय की जो दूसरी विशेषता है वह विशेषता है दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का जो दायित्व है वह असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी होता है। यहाँ पर साझेदारों की जो परिसंपत्तियां हैं वे व्यक्तिगत रूप से भी सुरक्षित नहीं है तथा सामूहिक रूप से भी सुरक्षित नहीं होती है। ऋणों के भुगतान के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। तीसरी जो साझेदारी से संबंधित विशेषता है वह है जोखिम वहन करना। साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदार हैं वे सभी मिलकर के जोखिम वहन करते हैं। हानि की स्थिति में जो सभी साझेदार हैं वे आपस में मिलकर के हानि को पूरा करते हैं या हानि की भरपाई करते हैं। जोखिम वहन करना यदि साझेदारी व्यवसाय में हानि हो जाती है तो इसे साझेदार आपस में अपने तय अनुपात में वहन कर लेते हैं जिससे एक ही व्यक्ति को हानि नहीं उठानी पड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, जोखिम वहन करना साझेदारी व्यवसाय में जो जोखिम वहन करने वाले हैं वे साझेदार आपस में मिलकर के जोखिम को वहन करते हैं। अर्थात यदि हानि हो जाती है तो हानि की दशा में सभी साझेदार हैं वो मिलकर के हानि को पूरा करते हैं, हानि की भरपाई करते हैं। यदि साझेदारी व्यवसाय में हानि हो जाती है तो इसे साझेदार आपस में अपने तय अनुपात में वहन कर लेते हैं। तय अनुपात में पहले से निश्चित होता है जिससे एक ही व्यक्ति को इसकी जो हानि है वह वहन नहीं करनी पड़ती है। थैंक यू।